नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं संविदा वर्ग तीन का कोर्स। एम्पिटेट जो ग्रेड थ्री की वैकेंसी आई है उसका मैं बिल्कुल बेसिक कोर्स शुरू करने वाला हूं आज। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, संख्या पद्धति से शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम से। तो सबसे पहले जो आपको जानना है वो ये जानना है कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूं, प्राकृत संख्याओं की बात करूं, तो नेचुरल नंबर्स जो आते हैं बहुत ही आसान भाई, 1, 2, 3, 4, 5 और चलते जाएंगे अनंत तक। तो 1 से शुरू होने वाली जो काउंटिंग है आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो नेचुरली आपके मुंह से निकलती है संख्याएं, ये क्या है आपके नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। अगर इन नेचुरल नंबर्स में मैंने एक चीज इंक्लूड और कर दी, जैसे 1, 2, 3, 4 तो है ही, पर अगर मैंने यहां पर 0 को भी इंक्लूड कर लिया, अगर 0 को भी ले लिया जाए, तो 0, 1, 2, 3, 4 ये जो आपकी काउंटिंग चल रही है, जो संख्याएं हैं अनंत तक, ये कहलाती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। मतलब ये है कि 1 से शुरू होने वाले तो प्राकृत संख्याएं हैं, पर अगर मैंने 0 को भी काउंट कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का क्या बन जाएगा, ये समुच्चय बन जाएगा। सिर्फ ऐसा कहना गलत होगा कि 0 ही पूर्ण संख्या है, काफी बार बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 0 जो है सिर्फ अकेली पूर्ण संख्या नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4 सारी पूर्ण संख्याएं हैं, और 0 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो पूरा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। पर हाँ, अगर 1 से शुरू करते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये नेचुरल नंबर्स हैं। मतलब जो 2 है वो नेचुरल नंबर भी है और वो होल नंबर भी है, दोनों कैटेगरी में वो काउंट होगा। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आ जाता है हमारे पास वो हो जाएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी काउंट होगा, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, इन्हें कहा जाता है पूर्णांक। और पूर्णांक में जैसे 0 के बाद 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 ये सब कहां पर काउंट होते हैं, ये सब इंटीजर्स में काउंट होते हैं। मतलब अभी तक नेगेटिव नंबर्स मैंने होल नंबर या नेचुरल में काउंट नहीं किए थे, पूर्ण संख्याओं में या फिर प्राकृत संख्याओं में नेगेटिव नंबर्स नहीं थे, पर इंटीजर्स में जो पूर्णांक हैं, पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक संख्याएं भी काउंट की जाती हैं। अगली चीज जो आपको समझनी है वो हो जाएगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं, ये भी कहां से कहां तक होंगी, ये भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होंगी, पर इसमें वो नंबर्स भी काउंट होंगे जो यहां पर कहीं पर नहीं आए। मतलब कि जैसे 0 के बाद आप सीधा 1 नहीं लिखोगे, 0 के बाद आप चाहो तो 0.5 ले सकते हो, 0.6 ले सकते हो, उसके बाद 1, 2, 3, 4 तो होंगे ही। मतलब मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो डेसिमल वाली वैल्यूज होती हैं, जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं, वो सारी भी यहाँ पर काउंट होती हैं। तो रियल नंबर्स में तो आपका सब कुछ आ जाएगा। रियल नंबर्स में जो मैं अभी नहीं बताए हैं, मतलब कि प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, या जो भिन्न होते हैं या परिमेय संख्याएं होती हैं, वो सारी की सारी संख्याएं किस में काउंट हो जाती हैं, वो रियल नंबर्स में, वास्तविक संख्याओं में काउंट हो जाती हैं। इसके बाद आपको एक चीज पता होना चाहिए, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी, जैसे वो नंबर जो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसको आप क्या कह देते हो, सम संख्याएं कह देते हो। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इवन नंबर्स हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं ऑड नंबर्स, तो भाई जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा वो क्या हो जाएगा, वो ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, हालांकि ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, पर एक सीक्वेंस में चल रहा है तो मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें, हर एक विद्यार्थी इनके बारे में जानते हैं कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। पॉइंट नंबर 7, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्याएं। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, वो संख्याएं होती हैं जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय संख्याएं क्या होंगी, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पर जरूरी यहां पर एक ही चीज है, जो कंडीशन है वो क्या, कि जो क्यू है वो क्या नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये जो
परिमेय संख्या का जो अंश है और जो हर है उसमें से अंश भले ही कुछ भी हो, अंश जीरो भी हो सकता है, पी की वैल्यू जीरो हो सकती है, पर क्या जीरो नहीं होना चाहिए? क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, यहां पर बहुत जरूरत पड़ती है एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने की, तो परिमेय संख्या में जैसे 1/2 है या 3 या 5/7 है या 3/5 है, कोई भी आप नंबर्स लिख सकते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। पर अगर मैं ऐसा लिख दूं 5/0 तो ये लिखना क्या हो जाएगा? गलत, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है, ये अनंत कहलाता है। तो इसकी काउंटिंग हम नहीं करते हैं रैशनल नंबर्स में, परिमेय संख्याओं में। पर हाँ, बस जीरो अगर नहीं होता, जीरो के अलावा कुछ भी होता तो वो क्या कहलाती? वो परिमेय संख्या कहलाती। इसके अलावा अगर आपके सामने लिखा हुआ है 1.5, ये डेसिमल में लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। भाई बहुत ही आसान है, 1.5 को आप क्या लिख सकते हो? 15/10, जिसे आप अगर 5 के टेबल से कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 3/2। तो मतलब ये भी परिमेय संख्या बन गई। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि भाई 2 जो है, 2 भी परिमेय संख्या होगी, 2 परिमेय संख्या कैसे हो जाएगी? अब अपॉन में 1 लिख के इसे क्या बना सकते हैं? आप इसे रैशनल नंबर बना सकते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और इवन या ऑड नंबर, सबको हम क्या कर सकते हैं? पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर हाँ, हर रियल नंबर जो है, हर वास्तविक संख्या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना संभव नहीं हो पाता। कुछ एक ऐसे रियल नंबर्स भी होते हैं जिन्हें भिन्न के रूप में हम नहीं लिख। अब जो सवाल आमतौर पर बन जाते हैं वो कहाँ से बन जाते हैं? वो बन जाते हैं इरेशनल नंबर से, मतलब अपरिमेय संख्याओं से सवाल बन जाते हैं। किस प्रकार के सवाल बन जाते हैं? आपसे साफ पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है या कौन सी अपरिमेय संख्या, मतलब कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। अब अभी हमने चर्चा की कि भाई जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे आप पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हो, वो तो आपका क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। पर जिसे आप पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो, वो क्या हो जाएगा? आपका इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। सबसे पहला जो इरेशनल नंबर था, जो पाइथागोरस के द्वारा बताया गया था, वो √2 बताया गया था। √2 की वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.414 एंड सो ऑन चलता रहता है। ये दशमलव के बाद अनंत अंकों तक चलता है भाई, इसकी वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होती है। तो आप अगर चाहें भी तो इसे पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो मतलब ऐसी कोई वैल्यू, मतलब जिनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं हो पाता, जैसे 2 है, वैसे मैं कहूँ √3 है, वैसे मैं कहूँ √5 है, तो ऐसे बहुत सारे जो इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, मतलब ऐसे वर्गमूल जिनका जो उत्तर है एक पूर्ण अंक नहीं निकल के आ पाता है, वो सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आएंगे? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। और एक बहुत ही ज़्यादा चर्चा करने लायक सवाल जो बनता है, वो बनता है पाई से, कि जो पाई है जिसे विद्यार्थी 22/7 मान लेता है, इसका मान 22/7 बिल्कुल नहीं होता भाई। पाई की अप्रॉक्स वैल्यू, मतलब लगभग मान है 22/7। अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर चर्चा करूं, तो आप देखिए कि जो पाई है उसकी वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू 3.141592 एंड सो ऑन। पाई के बारे में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था। तो पाई की जो वैल्यू है 3.141592 एंड सो ऑन चलती जाती है, ये भी दशमलव के बाद अनंत अंकों तक चलता है। पर जो 22/7 है, 22/7 है, जिसे विद्यार्थी पाई की वैल्यू समझते हैं, क्योंकि आमतौर पर स्कूल्स में हमें यही बता दिया जाता है कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है, पर पाई की 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग मान है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अगर आप 22/7 को हल करोगे तो भाई आपका जो उत्तर आएगा 3.142857 चलता जाएगा। तो ये 22/7 की वैल्यू और ये पाई की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, दशमलव के बाद तीसरे अंक से पहला और दूसरा डिजिट तो सेम है, पर जो तीसरा डिजिट है वो क्या हो गया? अलग हो गया। मतलब 22/7 पाई की क्या है? लगभग वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई को वास्तविकता में भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में लिख पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अगर कभी क्वेश्चन आता है कि पाई परिमेय या अपरिमेय है, तो आप सीधा सीधा क्या टिक करके आओगे कि पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान 22/7 नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगली चीज जो है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के ऊपर भी एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो प्राइम नंबर्स के बारे में मैं थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं।
प्राइम नंबर्स भाई जैसा कि विद्यार्थी जानते ही है, हर एक व्यक्ति जानता है इनके बारे में प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जिनके केवल और केवल दो ही फैक्टर हैं, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात अगर करूं कि 13 के केवल दो ही फैक्टर होंगे भाई, या तो एक से कटेगा या तो 13 खुद से कटेगा। तो सिर्फ कितने फैक्टर्स हुए? दो ही फैक्टर्स। मतलब ऐसी कोई संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, जिसके केवल दो ही फैक्टर्स हों, वो क्या कहलाएगी? वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। हालांकि अलग अलग किताबों में आपको बहुत सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी प्राइम नंबर्स के बारे में, पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स मतलब जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, सिवाय किसके? सिवाय एक के और सिवाय खुद के। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो भाई 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि चर्चा करने लायक बात है, वो क्या है? वो है 2। ये जो 2 है, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। पर सबसे छोटा प्राइम नंबर होने के साथ साथ एक और जरूरी बात, ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है भाई। इवन प्राइम नंबर का मतलब आप समझ रहे हैं, ये कैसा है? ये सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स लिखेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? सभी के सभी विषम होंगे, सभी के सभी क्या होंगे? ऑड होंगे। तो 2 क्या है? एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या है। इस पॉइंट के ऊपर बहुत ही अच्छा सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिसे डिस्कस करना जरूरी है। अगर मैं सारी की सारी अभाज्य संख्याओं को जोड़ लूं, सारे के सारे प्राइम नंबर्स को, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सारी अभाज्य संख्याओं को यदि मैंने क्या कर लिया? प्लस कर लिया। और इसमें से क्या माइनस कर दिया? सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स अगर मैंने इसमें से माइनस कर दिए, ऑड प्राइम नंबर्स अगर मैंने इसमें से माइनस कर दिए, तो आंसर क्या निकल के आएगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, 0 है, 2 है, या 1 है, या कांट बी डिटरमाइंड है, मतलब ज्ञात करना संभव नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे भाई? 0, 2, 1 या ज्ञात करना संभव नहीं है, 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए। तो सारी की सारी अभाज्य संख्याओं का अगर मैं योग करूं, तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए ठंडे दिमाग से समझिए, हालांकि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन्होंने अभी तक आंसर निकाल लिया होगा। तो सारे प्राइम नंबर्स मतलब 2, 3, 5, 7, ऐसे ये चलता जाएगा। हालांकि सबसे बड़ा प्राइम नंबर भी अभी तक डिफाइन हो चुका है, जिसके बारे में यहां पर चर्चा करना जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है नहीं कहना जरूरी नहीं होगा, सबसे बड़ी अभी तक की डिस्कवर की गई अभाज्य संख्या कौन सी है वो हमें पता है, गणितज्ञों द्वारा बताई गई ये चीज। तो 2, 3, 5, 7 ये क्या है? ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। और अगर ऑड प्राइम नंबर्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? 3, 5, 7 और 11, ये यहां से चलता जाएगा। पर जैसे ही मैं माइनस करूंगा, तो देखिए आप समझ ही गए होंगे इस बात को कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं, मतलब 3, 5, 7, 11, सारे के सारे नंबर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर ऑड प्राइम नंबर्स में क्या तो है ही नहीं, यहां पर 2 नहीं है, तो ये जो 2 है वो कैंसिल आउट नहीं हो पाया। तो बचा क्या भाई? सारे प्राइम नंबर्स में से अगर मैंने ऑड प्राइम नंबर्स हटा दिए, तो एक ही प्राइम नंबर बचेगा, जो कि कौन सा होगा? जो कि इवन प्राइम नंबर। क्योंकि भाई सारे नंबर्स में अगर आप ऑड हटा दोगे तो इवन बचेंगे, सम संख्याएं बचेंगी, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला सवाल है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है। प्राइम नंबर्स के बारे में एक और चीज मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा कि 4 ऑप्शन दे दिए गए और पूछ लिया गया आपसे कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। ये सवाल आमतौर पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे आपको दे दिया गया 101, 141, 111 और 143, आपको 4 नंबर्स दे दिए गए और आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सी अभाज्य संख्या है। अब विद्यार्थी यहां पर कंफ्यूज हो जाता है। आपसे पूछा क्या गया है? बहुत ही साधारण सा सवाल कि भाई इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो होता क्या है प्राइम नंबर्स के लिए, मैं आपको 2 चीजें यहां पर बताऊंगा। पहले जो एक इस क्वेश्चन को करने के लिए रिक्वायर्ड है, पहली चीज ये रिक्वायर्ड है कि प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी आमतौर पे विद्यार्थी कैसे चेक करता है? कि वो सारे के सारे नंबर्स को डिवाइड करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर मैं उठा लूं कि 111, अगर मैं इसकी बात करूं, ये नंबर मैंने उठाया कि 111, हालांकि जो लोग जानते हैं 3 की डिविजिबिलिटी वो पहले बता देंगे, अंकों का योग अगर 3 है तो ये नंबर 3 से कट रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। पर आप क्या कर सकते हो,
आप इस नंबर का लगभग स्क्वायर रूट निकालिए, लगभग स्क्वायर रूट आप निकालिए। अगर मैं कहूं कि ये जो 111 है किसके आसपास है, ये 121 के आसपास है, 11 के स्क्वायर रूट के आसपास, मतलब 10 या 11 के स्क्वायर रूट के आसपास है, तो आप क्या करोगे, इसका लगभग स्क्वायर रूट निकालोगे, अप्रॉक्स स्क्वायर रूट, लगभग वर्गमूल निकालोगे। तो मैं कहूंगा कि भाई ये 11 से तो छोटा ही होगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो किससे छोटा होगा, 11 से कम ही होगा। तो आप इस नंबर को डिवाइड करोगे सिर्फ और सिर्फ 11 से छोटी अभाज्य संख्याओं से, मतलब आप इसे डिवाइड करोगे 2 से, 3 से, 5 से और 7 से, सिर्फ और सिर्फ इन चार नंबर से डिवाइड करके देखेंगे आप। आप देखते से ही बता देंगे भाई 5 से तो नहीं कट रहा, 2 से भी नहीं कट रहा, पर हाँ ये नंबर जो है 3 से कटेगा 37 बार में, और अगर ये 37 बार में 3 से कट गया मतलब ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्या चीज मैंने बताई कि आप अगर डिविजिबिलिटी अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कौन सा नंबर प्राइम है कौन सा नंबर प्राइम नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको 2 से भी कर लिया, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17, 19, आप करते ही जा रहे हो डिवाइड जब तक आप 101 तक नहीं पहुंच जाते। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जैसे अगर मैं 101 की बात करूं तो 101 जो है लगभग 10 के ही आसपास है, और मैं 10 से छोटे मतलब 2, 3, 5 और 7 से डिवाइड करूंगा मात्र, सिर्फ किससे, 10 से छोटे प्राइम नंबर्स। लगभग वर्गमूल निकालिए, और लगभग वर्गमूल निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उस ही से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है भाई, सबसे डिवाइड नहीं करना है। तो मैं सिर्फ 2, 3, 5, 7 से डिवाइड करके देखूंगा, ये ना तो 2 से कट रहा, ना तो 3 से कट रहा, ना तो 5 से कट रहा, और ना ही 7 से कट रहा, मतलब ये क्या हो गई, आपकी अभाज्य संख्या हो गई। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, लगभग स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसी से छोटी अभाज्य संख्याओं से आप उसे कैंसिल आउट करके देखेंगे। एक चीज और होती है यहां पर कि जैसे कोई भी प्राइम नंबर है, ये मैं यूनिवर्सल मेथड नहीं बता रहा हूं, हाँ ये काफी बार काम करता है, काफी बार फेल भी हो जाता है मेथड, तो छोटे नंबर्स में काम करता है आमतौर पर। जैसे कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे मैंने अगर 37 उठा लिया, 37 एक प्राइम नंबर है, आप लोग जानते ही हैं इस बात को, तो आप 37 में या तो प्लस वन करके देखिए या तो माइनस वन करके देखिए, या तो प्लस वन या तो माइनस वन। अगर मैंने प्लस वन किया तो ये 38 बनेगा, और अगर मैंने माइनस वन किया तो ये कितना बनेगा, ये 36 बनेगा। इन दोनों में से अगर एक नंबर 6 से कट गया, दोनों में से क्या, कोई भी एक नंबर, या तो 38 या तो 36, अगर ये 6 से कट गया तो मतलब 37 प्राइम नंबर हो सकता है, उसके अभाज्य संख्या होने की पॉसिबिलिटी है। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी है 37 क्या हो सकता है अभाज्य संख्या। फिर आप वेरीफाई करना चाहें तो 37 के स्क्वायर रूट से छोटे नंबर्स के साथ आप उसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे मैंने यहां पर बताया कि 101 हमने देखा भी अभी कि ये प्राइम नंबर है, तो 101 में या तो प्लस वन कर लो आप या तो माइनस वन कर लो। माइनस वन किया तो 100 आया जो कि 6 के साथ डिवाइड नहीं होगा, पर अगर प्लस वन किया तो 102 आया जो कि 6 से 17 बार में कट जाएगा, मतलब ये अभाज्य संख्या हो सकती है। और अगर हो सकती है तो मैं कंफर्म कैसे करूं, मैं कंफर्म करने के लिए सिर्फ ये डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करूंगा, स्क्वायर रूट निकाल के छोटी संख्याओं से भाग दे के देखूंगा। तो ये बहुत ही चर्चा में रहने वाले सवाल हैं, छोटे मोटे एग्जाम्स में आते रहते हैं, वर्ग 3 में इसी प्रकार के बेसिक क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ और बातें। एक जो सवाल आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वो पूछा जाता है ट्विन प्राइम नंबर्स। बहुत ही कम विद्यार्थी इनके बारे में जानते हैं, पर मैं क्यों इस चीज को आज लेके आ रहा हूं, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जाम में आते हुए। आपको सिर्फ चार ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ट्विन्स का मतलब आप लोग समझते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, जुड़वा कहते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर्स के पेयर आपको छांटने पड़ते हैं। तो बहुत ही आसान है कि कोई भी, सबसे पहले तो देखो नंबर्स का प्राइम होना यहां पर जरूरी है। जैसे अगर मैं कहूं कि क्या 3 और 5 ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, तो सबसे पहली चीज जो आप चेक करोगे वो क्या चेक करोगे कि ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, ये प्राइम होने चाहिए, दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, पर उससे पहले आप ये देखोगे कि क्या दोनों नंबर अभाज्य हैं या नहीं। अगर दोनों नंबर्स प्राइम हैं तो ये ट्विन प्राइम हो सकते हैं। अनिवार्यता क्या है, नेसेसिटी क्या है, कंडीशन क्या है कि ट्विन प्राइम नंबर्स में जो डिफरेंस है भाई, जो अंतर है, वो कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि कोई भी दो संख्याएं
अगर वो अभाज्य भी हैं और उनके बीच का अंतर भी कितना है, अगर दो का अंतर है तो वो क्या होंगे, वो ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे, वो जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी। और उदाहरण देखिएगा, जैसे अगर मैं लिख रहा हूं आपके सामने 11 और 13, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, और ये दोनों आपस में ट्विन प्राइम नंबर्स भी हैं, ये दोनों आपस में क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं भी हैं। क्योंकि कितने का अंतर है भाई, सीधा सीधा मैं देख पा रहा हूं दो का अंतर है, तो कोई भी दो प्राइम नंबर्स आप ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया 17 और 19, ये कोई भी दो प्राइम नंबर, अगर इनके बीच में अंतर कितने का है, दो का है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये ट्विन प्राइम नंबर, ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। विद्यार्थी यहां पर एक बार ये सवाल पूछ लेता है कि क्या कोई भी दो लगातार प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम हो सकते हैं, विद्यार्थी के मन में डाउट आ जाता है कि भाई कोई भी दो लगातार प्राइम नंबर, जैसे 11 के बाद 13 आ रहा है तो ये तो ट्विन प्राइम हुआ, 17 के बाद 19 आ रहा है, दो का अंतर है तो ये भी ट्विन प्राइम हुआ, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 होता है तो ये भी ट्विन प्राइम हो गया। पर भाई ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई भी दो लगातार नंबर ट्विन प्राइम होंगे ही। कैसे, कि एक प्राइम नंबर मैंने उठाया 7, 7 के बाद अगर आप बात करोगे कि 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, अगला प्राइम नंबर क्या है, 11 है। तो 7 और 11 दो लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर सीधा कौन सा आएगा भाई, 11 आएगा, पर 7 और 11 में अंतर क्या दो का है, अंतर दो का नहीं है, तो मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते, सिर्फ इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो आपको अगर कोई भी चार ऑप्शन दिए जाएं तो आप बड़े आसानी से जैसे 2.3, 5.7, 11:19 और 13:17, और मैं पूछ लूं कि इनमें से कौन सा ट्विन प्राइम, कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, चार ऑप्शंस हैं, तो आप देखेंगे कि 2 और 3, ये जो पहला ऑप्शन है एक का अंतर है, जो दूसरा ऑप्शन है यहां पर कितने का अंतर है, दो का अंतर है, तो ये ट्विन प्राइम होंगे। आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी देख सकते हैं, इनमें भी दो का अंतर नहीं है, तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं, बस इतनी सी चीज है। अगली चीज जो आपको समझनी है वो है को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं अब क्या होती हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। ये हायर लेवल के एग्जाम्स में भी ये कॉन्सेप्ट काम आता है, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी अगर ग्रेड 3 के अलावा दूसरे एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी जरूरी है। देखिए, को प्राइम नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF महंतम समापवर्तक कितना होगा, अगर एक होगा तो वो दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, वो को प्राइम। को प्राइम को रिलेटिवली प्राइम, सापेक्षित अभाज्य संख्याएं भी कहा जाता है, या तो सापेक्षित अभाज्य संख्याएं या फिर सह अभाज्य संख्या अगर लिखा होगा तो वो क्या कहलाते हो, को प्राइम नंबर, जिनका HCF क्या होता है, एक होता है। अब आप और अच्छे से समझो, जैसे मैंने लिखा 3 और 5, क्या ये दोनों नंबर आपस में कटेंगे किसी भी टेबल से, क्या ये डिवाइड हो रहे हैं भाई, 3 और 5 आपस में किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे, तो मतलब ये क्या हो गए, ये को प्राइम हो गए। और एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैंने लिख लिया 3 और 11, क्या ये आपस में को प्राइम है भाई, बिल्कुल है, क्योंकि 3 और 11 आपस में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे मैंने लिख दिया 8:6 या 8.6, क्या ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि किससे कट जाएंगे भाई, ये दो के पहाड़े से आपस में कट रहे हैं या नहीं कट रहे, ये 4 बचेगा और यहां पर क्या बचेगा, 3, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो बस कोई भी दो संख्याएं जो आपस में नहीं कट रही हैं किसी कॉमन नंबर से, जो सिर्फ और सिर्फ किससे कटेंगी, एक से ही कटेंगी, वो क्या कहलाएंगी, वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। मैं एक आध एग्जांपल और देता हूं, जैसे आपके सामने मैंने लिखा 7 और 15 बिल्कुल को प्राइम है, क्यों, क्योंकि 7 और 15 आपस में किसी नंबर से नहीं कटेंगे। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 8:13, ये भी को प्राइम है। अब इतने एग्जाम्पल्स के बाद विद्यार्थी के मन में क्या डाउट आ जाता है, वो पूछ लेते हैं कि सर क्या ऐसा जरूरी है कि को प्राइम नंबर्स में एक नंबर तो प्राइम होना ही चाहिए, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 3 भी प्राइम 5 भी प्राइम, सह अभाज्य संख्याओं के लिए क्या ये ऐसा अनिवार्य है कि कम से कम एक संख्या तो उनमें से अभाज्य होनी ही चाहिए। आप देखिए ये दो एग्जांपल्स जो मैंने यहां पर लिखे हैं, 15 तो अभाज्य नहीं है पर भी 7 तो अभाज्य है,
आठ और तेरह में आठ तो अभाज्य नहीं है पर तेरह तो अभाज्य है, तो ये बन रहे हैं आपके सहअभाज्य संख्याएं। तो क्या ऐसा अनिवार्य है कि कम से कम एक संख्या तो अभाज्य हो? यहां पर तो मैंने दोनों ही प्राइम नंबर्स लिए हुए हैं, तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो वो को प्राइम होंगे। भाई दोनों ही संख्याएं अभाज्य हैं तो मतलब ये तो किसी से नहीं कटने वाले, पर यहां पर कम से कम एक संख्या, देखिए यहां पर सात अभाज्य है और यहां पर तेरह अभाज्य है, तो ये जो आपके मन में डाउट आ रहा है कि क्या ऐसा जरूरी है कि एक नंबर तो अभाज्य होना चाहिए, भाई ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप कोई भी दो नंबर्स, जैसे एग्जांपल से समझिए कि अगर मैं आठ और पंद्रह भी लिख देता हूं, आप लोग जानते हैं कि आठ दो से और चार से, एक से और खुद से कटता है, मतलब आठ प्राइम नंबर नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है आठ, और पंद्रह भी तीन पांच से कटता है, ये भी कहां अभाज्य है, ये भी तो नंबर क्या है, दोनों के दोनों कंपोजिट है, दोनों की दोनों भाज्य संख्या है। पर फिर भी अगर आप बात करो क्या आठ और पंद्रह आपस में किसी नंबर से कटेंगे, तो आठ और पंद्रह आपस में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, मतलब दो ऐसी संख्याएं जो कि भाज्य हैं, जो कि कंपोजिट हैं, क्या वो सहअभाज्य हो सकती हैं? भाई बिल्कुल हो सकती हैं। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि को प्राइम नंबर के लिए सहअभाज्य के लिए संख्याएं अभाज्य ही होना चाहिए, दोनों नहीं तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कोई भी दो संख्याएं सहअभाज्य हो सकती हैं, बस कंडीशन क्या है, नेसेसिटी क्या है हमारी कि उनका हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, सिर्फ इतनी सी अनिवार्यता है। तो मतलब अगर वो आपस में नहीं कट रहे तो वो क्या होंगे, सहअभाज्य होंगे। एक जरूरी बात जिसके ऊपर यहां पर सवाल पूछ लिया जाता है, पहला तो यही हो गया कि भाई चार ऑप्शन देके आपसे पूछ लिया कौन सा सहअभाज्य है, आपको उनमें से सिलेक्ट करना पड़ता है, डिवाइड करके देख लेंगे आप। दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि कोई भी दो लगातार संख्याएं, एनी टू सक्सेसिव नंबर्स, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, वो कैसे होंगे आपस में। अब बात को समझिए कि मैं कोई भी दो लगातार संख्याएं अगर ले लूं, जैसे मैंने ले लिया 11.12 या फिर 17.18 या फिर 40.41, कोई भी दो लगातार संख्याएं आप ले लीजिए, कोई भी दो लगातार नंबर। अब बताओ 11 और 12 किसी नंबर से कट रहे हैं क्या, आपस में किसी नंबर से कट रहे हैं? भाई बिल्कुल नहीं कटेंगे, ना 17 और 18 कटेंगे, ना 40 और 41 कटेंगे। अब विद्यार्थी यहां पर यह बात पकड़ लेता है कि सर आपने तो एक नंबर प्राइम ले रखा है, यहां पर एक नंबर यहां पे प्राइम हो गया, तो अब ये कैसे कटेगा, 17 प्राइम हो गया, 41 प्राइम हो गया। मैं कह रहा हूं कोई भी दो लगातार नंबर्स आप ले लीजिए, आप 20 के बाद 21 ले लो, भाई अब तो कोई नंबर प्राइम नहीं है, पर फिर भी ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है, को प्राइम जरूर है। कोई भी दो लगातार संख्याएं क्या होती हैं, हमेशा सहअभाज्य होती हैं। एग्जाम में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कोई भी दो लगातार नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, क्योंकि कोई भी दो लगातार संख्याएं आप लिख लेंगे, बच्चे ऐसी छोटी छोटी चीजों पर गौर नहीं करते हैं जबकि इनसे सवाल बन जाते हैं। भाई 8 के बाद आप 9 ले लो, 9 के बाद आप 10 ले लीजिए, 10 के बाद आप 11 ले लीजिए। ये जो मैं नंबर्स लिख रहा हूं, कोई भी दो लगातार संख्याएं हमेशा क्या होंगी, सहअभाज्य होंगी, को प्राइम होंगी, क्योंकि आपस में डिवाइड नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली चीज समझते हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 50 तक मतलब कहां से कहां तक, 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये चीज इसलिए आसान हो जाएगी कि आपको डायरेक्टली याद ही रखना है कि भाई 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, कितने हो जाते हैं, 15 अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। 100 तक कितनी हो जाती हैं, 100 तक आपके पास 25, 300 तक 46 और सॉरी 200 तक 46 और 300 तक कितने हो जाते हैं, 62 प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। ये चीज आपको डायरेक्टली याद ही रखनी है, क्योंकि प्राइम नंबर कैलकुलेट करने का कि कितने नंबर्स होंगे, बच्चे मेरे से क्लास में पूछ लेते कि सर कोई मेथड नहीं है, भाई मेथड है, क्लास में हम ये चीज़ डिस्कस भी करते हैं, पर जो मेथड है वो हायर मैथमेटिक्स में चला जाता है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। काफ़ी सारे गणितज्ञों ने प्रयास किए हैं कि 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे, सारी चीज़ें कोशिश हो चुकी हैं, पर जो मैथड्स हैं कैलकुलस के मैथड हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें तो क्या करना है, छोटे मोटे सवाल पूछे जाते हैं जिसके लिए हमें ये सारी चीज़ें डायरेक्टली याद ही रखनी है कि 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 15 अभाज्य संख्याएं, 100 तक कितनी होती हैं, 25, 200 तक कितनी, 46, 300 तक कितनी होती हैं, 62 प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 200 से 300 के बीच में कितनी है, तो आपने क्या करना है कि 62 में से 46 माइनस, भाई सीधी बात है कि 1 से लेकर 200 तक ही कितने हो गए, यहां तक 46 हो गए, और 1 से लेकर 300 तक कितने हो गए, यहां तक 62 हो गए, तो इनके बीच में कितने होंगे, आप 62 में से 46 माइनस कर लीजिए, आपके सवाल का उत्तर निकल के आ जाएगा। कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, बस आपको ये चीज याद रखनी है कि कितने कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि सर हमसे 20 से 30 के बीच में पूछ लिया तो भाई क्या कठिन काम है, 20 से 30 के बीच में आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे, आप काउंट कर लो कि 20 के बाद लिस्ट बना लो आप,
क्या 21 प्राइम होता है? नहीं। 22 होता है? नहीं। पर हाँ 23 जरूर प्राइम नंबर है। 24, 25 फिर से नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, पर हाँ 29 जरूर प्राइम नंबर होता है। तो कितने हो गए? सिर्फ दो ही प्राइम नंबर्स हुए। तो अगर आपसे छोटा मोटा स्केल देके छोटी सी रेंज का अगर पूछ लिया तो बहुत ही आसानी से आप इस चीज को कर पाएंगे, पर हाँ बड़ी रेंज का पूछ लिया तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो बार बार एग्जाम में पूछा गया, मैं उस चीज को हाईलाइट कर दूं कि भाई 100 तक काफी एग्जाम्स में, चाहे आप बड़े एग्जाम की बात कर लो चाहे आप छोटे एग्जाम की बात कर लो, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो भाई कृपया आप इस चीज को तो याद रखें ही रखें। और ये जो मैंने लिख दिया, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ज्यादा हाई लेवल जाएगा तो 200-300 तक पूछ लेगा, उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो 100 तक आपको एकदम अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए, उससे कम के पूछे जाएं तो आप निकालने में सक्षम हैं। इतना मैं समझ रहा हूं इस बात को कि बहुत ही छोटा सा स्केल है, 20 से 30 के बीच या 30 से 40 के बीच या 1 से 15 तक कितने हैं, तो आप बहुत आसानी से उस चीज को कैलकुलेट कर पाएंगे।